दोस्तों क्राइम तो पूरी दुनिया में होता है, किसी के कंट्री में ज्यादा होता है, किसी कंट्री में कम होता है। सेम ऐसे अगर हम बात करें भारत की, तो यहाँ पे भी क्राइम कुछ स्टेट्स में ज्यादा है, कुछ स्टेट्स में ना के बराबर है, और कुछ स्टेट में तो पूछो ही मत। दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आखिरी बार भारत में सजाए मौत किसको मिली थी, तो आपका जवाब क्या होगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। इसी के साथ अगर आप सजाए मौत बंद कर दी गई है, जैसा कि आप सबको पता है कि अब भारत में फांसी की सजा नहीं होती है, तो अब उसकी जगह पर क्या होता है? ऐसा तो नहीं है कि क्राइम खत्म हो चुका है और भारत एक क्राइम फ्री कंट्री बन चुका है, ऐसा तो नहीं है। तो अब उनकी जगह पर कौन कौन सी सजाएं होती हैं? कुछ भयानक सजाएं भी हैं, कुछ हमारी सजाएं नॉर्मल भी हैं। जैसे आपने सुना होगा कि उम्र कैद हो गई है, सजाए मौत हो गई है, आजीवन कारावास हो गया है उसको, ठीक है, सजा काटना क्या होता है, सूली पे चढ़ाना क्या होता है। दोस्तों ये तमाम सजाएं जो हैं, इनको अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अगर आप एक इंग्लिश लर्नर हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वोकैबलरी अच्छी हो जाए इन सभी चीजों के बारे में, जिससे कि आप अगर कभी भी इस चीज की बात करते हैं क्राइम को लेकर, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी सजा क्या होगी और उन सजाओं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। दोस्तों मेरी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उन तमाम सजाओं के बारे में। सजा से रिलेटेड सारे आप सेंटेंस, सारे आप वो वर्ड सीखेंगे जो भारत में लोगों को दी जाती है, वो डिपेंड करता है उनका क्राइम कैसा है और उनको क्या सजा दी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो मेरे साथ। मेरा नाम है जस्सी और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक इंस्टीट्यूट पे। एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा दैट इफ यू आर न्यू ऑन माय दिस चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर आर न्यू इंग्लिश वीडियोस नोटिफिकेशन। Thank you.